मुझे ये बताइएगा कि जो आईनी अदालत और आईनी बेंच, क्या मौलाना सही मशवरा दे रहे हैं कि आईनी अदालत की जरूरत नहीं है, इतने बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है, आईनी बेंच बना लें आप? देखिए, इसमें बड़ा सेटअप तो है। मैं समझता हूँ कि सारी गवर्नमेंट को इस बात पे तैयार रहना चाहिए कि ये जब बन जाएगा, अगर एक और जिस जो आपने उसके खद्दोखाल बताए हैं इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, उसके लिए काफ़ी मतलब है काम भी करना पड़ेगा ना, और उसके लिए काफ़ी अकोमोडेशन भी पैदा करनी पड़ेगी। यूं ही तो नहीं होगा, वो कहलाएगा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होगा नहीं। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में पहले फेडरल कोर्ट ही कहलाता था, इसको सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया 1956 के आइन में, और फिर उसके बाद 1973 के आइन में, और ये ही सुप्रीम कोर्ट था। अब सवालात उठेंगे कि इसको अकोमोडेट कहाँ करना है। ये और 5 जजेस, एक चीफ जस्टिस का कमरा और बाकी फिर उनका सारा स्टाफ। अब वो हो सकता है वो कहें, अगर काजी साहब बन जाते हैं, वो कहते हैं मैं चीफ जस्टिस हूँ सुप्रीम कोर्ट का, अब मैं चीफ जस्टिस हो गया हूँ फेडरल कोर्ट का, तो ये सारी जो अकोमोडेशन है ये आईनी अदालत की हो गई। और आप अपने जितने मेरे 4 जजेस के लिए भी जगह निकालें, और फिर आप उनके स्टाफ के लिए भी फाइलें भी इधर उधर जानी, कोई 60,000 फाइलों ने में से डिवीजन होनी पड़ेगी, किस वक्त किस कौन सी फाइल, उसके क्या मंदरजात हैं कि वो ए कैटेगरी में जाए या बी कैटेगरी में जाए। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी, इसमें लिटिगेशन हो जाएगी, इसमें एक पार्टी तो चाहेगी कि वो इस अदालत में जाए या उस अदालत में, तो लाजमी है। जिसको सूट करेगा कुछ डिले करना, वो कहेगा एक और अपील का हक मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, फिर उसके बाद एपेक्स कोर्ट में ले जाओ, और जो हाईएस्ट कोर्ट है, फिर इसमें जो 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 जल्दी चाहेगी वो कहेगी इसको लेके जाओ एपेक्स कोर्ट में, अभी इसको आखिरी फैसला करवाओ, ख़त्म कराओ, सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचा हुआ था, अब इसका नंबर लगने वाला था, अब बारी आ गई थी, अब ये एपेक्स कोर्ट में जाके नीचे हो जाएगा। तो ये इसकी एक काफ़ी ज़रा बहसें होंगी, दुश्वारियाँ होंगी। मैं तो समझता हूँ हो सकता है टर्फ वॉर्स भी हों, एक जज साहब के स्टाफ बैठा हुआ है कमरा नंबर 3 में या 4 में, वो कहते हैं मैं नहीं उठना, हम नहीं जाते, जज साहब ने कहा है कि आप यहाँ बैठे रहो, तो टर्फ वॉर्स भी होंगी, टर्फ बैटल्स भी हो सकती हैं। फिर ये है कि अकोमोडेशन कहीं तो करनी होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं बनी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्डिंग में चला जाएगा, और क्या हाई कोर्ट सारी अपनी फाइलें उठा के फिर डिस्ट्रिक्ट जजी सेशन जजी के कमरों में चला जाएगा? ये चीज़ें बाद में आएंगी, ये जब हो जाएगा तो फिर ये तो लॉ तो बना देना एक आसान काम है, सही, लॉ पे असल बात होती है फंक्शन करना, बिल्कुल। और फंक्शन कराना, आपने भर्ती भी करने हैं बहुत सारे स्टाफ और नए जजेस और ये सब कुछ, ये एक बर्डन। अच्छा, अब आप बिल्डिंग बनाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वो एक बिल्डिंग भी अरबा रुपए लग जाएंगे उस पर, और टाइम लगेगा, उतनी देर कहाँ फिरेंगे ये मंसूर अली शाह साहब, कहाँ बैठेंगे अगर ये कोर्ट रूम नंबर 1 में जाना हुआ काजी साहब नहीं, तो कोर्ट रूम नंबर 2 जो है उसमें बैठे हुए हैं मंसूर अली शाह साहब, को क्या उनको वहाँ से निकाला जाएगा? मंसूर अली शाह साहब के पास फिर इख्तियारात क्या होंगे जब सारे अहम मामलात फेडरल ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे, फिर क्या इख्तियारात होंगे? मैं बहुत कम इख्तियारात रह जाएंगे। मैं इसका खुद जाती एक तजर्बा है मुझे,
कि मैंने जब ये बहाल हो गए जजेस सारे 16 मार्च 2009 को, यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है ये बहाल हो गए, तो उसके बाद मैंने मुझे पूछा प्रेस वालों ने, उन्होंने कहा आपके तो वारे न्यारे हो गए, अब तो जो केस आप जिसको जिस जज के सामने लगवाना चाहेंगे लगवाएंगे, चीफ जस्टिस आपके हैं और आपने उनको बहाल कराया, आप कोई तो मतलब अरबा रुपए बनाएंगे। मैंने पहले दिन ही कह दिया, मैंने कहा देखो मैं इनकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा। अच्छा, मैंने कहा मैं पेश ही नहीं होऊंगा इनकी अदालत। वो उसका मुझे एक तो नुकसान कोई होता है ना कि ये माली नुकसान तो होना था, मुझे जो असल नुकसान मैं समझता हुआ कि अगले 5 साल सारे अहम केस जो थे वो चीफ जस्टिस के सामने लगते रहे, चीफ जस्टिस कोर्टरूम नंबर 1 में सारे अहम, जो आइनी बहस होनी थी, जो कानूनी बहस होनी थी, जिसमें बड़ा केस था, जिसमें फाइनेंस और पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जिसमें मालियत जिसकी ज़्यादा थी, वो सारे चीफ जस्टिस के सामने, और मैं तकरीबन बाहर बैठा एक लिहाज से दूसरे छोटे मोटे केस ज़रा करते रहे गुजरे। यहाँ तक कि ये मुझे इसका ज़्यादा रंज है, मुझे फीस बिल्कुल ना मिलती, पर उन केसेस में मैं अगर पेश हो सकता, मैंने खुद अपने आप पर लगाया और मैं समझता हूँ मेरा जायज़ और सही फैसला था। एक था, वरना मेरे पे भी रिश्वत लेने और ये वो इतने चार्जेस लग रहे होते, अच्छा इल्जाम लग रहे मुझे होते, ये बताएं बैक भी गया होता। सही चॉइस साहब, ये आईनी तरह मीम, अब पीपल्स एमक्यूएम तो कह रही है कोई किसी सियासी किसी उसूल पर नहीं हो रही है, जो आईनी तरह मीम हो रही है ये सियासी मफादात पर हो रही है। इवन के देखें ना, हुकूमत इत्तेहादी अगर ये बात कहने पर मजबूर हो जाए तो क्या इन आईनी तरह मीम को मतनाज़े कहना गलत है? हुकूमत गुस्सा करती है? नहीं, मुतनाज़ा तरीन तो खबर नहीं है, इसको यकीनन नहीं कहा जा सकता। मुतनाज़ा तरीन तो 17वीं तरमीम थी, वो बड़ी सख्त मुतनाज़ा थी और असेंबली में मुतनाज़ा भी रहा, उस पर डेडलॉक भी हुआ और फिर उस पर परवेज़ मुशर्रफ को पीछे भी हटना पड़ा। तो मुतनाज़ा तरीन तो नहीं, लेकिन यही होता है कि अगर मुतफ़िका ना हो तो जाहिर है वो मुतनाज़ा तो हो गई, अगर मुतफ़िका ना हो या तो इत्तफाक़ के राय से हो, अगर इत्तफाक़ के राय नहीं है तो तनाज़े के तहत वहाँ वो तो हो रहा है ना। एमक्यूएम को नहीं पता मुसव्वदा क्या है, मौलाना राजी नहीं है, पीटीआई राजी नहीं है, 18वीं तरमीम भी तो हुई तो कंसेंसस से हुआ था, लेकिन अपना मौलाना बहुत सी चीज़ों पर अग्री नहीं है, पीटीआई तो है ही नहीं अग्री, एमक्यूएम कह रही है भाई मुसव्वदे का तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह ये तनाज़ा तरमीम के बाद कामयाब तरमीम तो वही है कि जिसके बाद तनाज़ा ख़त्म हो जाए। हाँ, चाहे आपस में दो लोग कहें कि जी इन्होंने कोई ऐसी हमारे साथ ज़्यादती नहीं की कि हमें दिखाई नहीं है, हमें वहीं वो दे दी तरमीम, तो ये अगर करेगी हुकूमत इस तरह करेगी तो फिर वो नुकसान उठाएगी, फिर उसकी तरमीम में कोई देर पा नहीं होगी। हाँ, और फिर ये सारा स्ट्रक्चर जो बनना है, ये रियासत एक वक्त पे आके शायद इनकार कर दे इससे कि ये इतना स्ट्रक्चर बिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो ख़र्चा आना है, इसको ज़रा देखना चाहिए, प्रैक्टिकली देखना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तरामीम के इसमें खद्दो खाल भी हैं, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन और गैर मुतनाज़ा से गैर मुतनाज़ा जो तरमीम है ना, उस पर भी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर बहस होनी चाहिए। 18वीं तरमीम में अगर कोई उससे इख्तलाफ है किसी हद तक, तो वो इस वजह से है कि 18वीं तरमीम को हाउस में बहस नहीं की गई। सही, वो 29 मेंबर्स बड़े फाजिल लोग थे, एस एम जफर साहब थे उसमें लोग,
वो हाउस में तो बड़ी बहस हुई, कमेटी में तो 9 महीने बहस हुई पर हाउस में नहीं हुई। और मैं एज लॉ मिनिस्टर, मैं भी रहा हूँ लॉ मिनिस्टर, मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक बड़ी अजीब बात होती है, आप 3 दिन बहस करते हैं एक कानून पे और बड़ी सेर हासिल बहस हो जाती है, 40-50 स्पीकर बोल चुकते हैं, बात करते हैं, फिर 5वें दिन या 4थे दिन एक साहब उठते हैं, मैं कोई ज़िले का नाम नहीं लेना चाहता पर जो पसमानदा ज़िला ज़िला है वहाँ उसका मैं नाम ले लिया, पर ये वाक़ता हुआ, वो साहब उठते हैं वो बिल्कुल वो फाजिल किस्म के तहमत बांधने वाले जट मेरे जैसा मेरी बरादरी से, वो उठते हैं, वो उसने मैट्रिक या एफए पास होते हैं और बड़ा नाम उनकी इज्जत होती है चौहान साहब की अब असेंबली में, पर वो उठ के कहते हैं जी जनाब स्पीकर ये पूछें इनसे, लॉ मिनिस्टर साहब से ये पूछें कि ये तो ये जवाब इन्होंने 4 बातें तो बता दी हैं इसमें, ये 6ठी बात जो लिखी हुई है इसका क्या जवाब है, ये क्या ज़रूरत है, और यकदम आपको सारा वो जो इमारत गिरती हुई नज़र आती है आपके इर्द गिर्द, तो ये ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही, चौहान साहब एक आखिरी सवाल, हमेशा हम अदालती हुकूमत की जी हम हमेशा अदालती इस्लाहात की बात करते हैं, ये तरमीम हो जाती हैं तो क्या अदालती सिस्टम को स्ट्रक्चर को आप अच्छा दुरुस्त होते हुए देख रहे हैं? हमेशा से एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, अदालती इस्लाहात होनी चाहिए होनी चाहिए, हर हुकूमत कहती रही है, क्या इसके बाद हम समझते हैं कि अदालती सिस्टम बेहतर हो जाएगा? अदालती सिस्टम उस वक्त तक बेहतर नहीं होगा जब तक ये जो लोएस्ट जुडिशरी है, मैजिस्ट्रेट 3rd क्लास और सिविल जज 3rd क्लास से लेकर डिस्ट्रिक्ट जजेस तक, इनमें बेहतरी नहीं लाएंगे, और बेहतरी लाने का कोई ज़िम्मा उनका नहीं है कि वो यकदम, हमने उनकी तरबियत ऐसी की हुई है, हमने अपने हर स्टूडेंट की तरबियत ऐसी की हुई है, तो तालीम ऐसी दी हुई उसको दी है पर तरबियत नहीं दी उनके लिए, वो जब इम्प्रूव तक इम्प्रूव, देखें जहाँ तक एक माँ का ताल्लुक है जो जाती है और बेटे को वो कैदी गाड़ी में बैठे हुए देख पाती है और उसको हाथ नहीं मिला सकती, ज़्यादा ज़्यादा उंगलियाँ जोड़ के जाली में से, बिल्कुल, और वो 2 घंटा बैठ के उसको बताया जाता है कि भाई तारीख हो गई है अब बेटा वापस जा रहा है, वो उस गाड़ी से ही नहीं उतारते, जब तक उस माँ को ठंडक नहीं पहुँचती, ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जुडिशियल सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता।